अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद महताब काज़मी अमन टीवी के प्रोग्राम सियासी लोग में इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के अंदर, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है साबका वज़ीर ख़ज़ाना, साबका सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं मोहतरम जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम चौधरी साहब, पहले तो आपको इलेक्शन विन करने की बहुत बहुत मुबारकबाद, मौके से कबूल करें। ये बताएं चौधरी साहब के दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं जी के 500 अरब का पैकेज भी दे दिया गया, 100 दिन भी गवर्नमेंट ने अपने कंप्लीट कर लिए, इस पे आपके क्या तसव्वुरात है थोड़ा सा इस पर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गुजारिश है कि ये जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लोगों पर मसलत की गई है कि लोगों को वोटों से नहीं बनी और उन्होंने एक पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करके और गांधी करके ये गवर्नमेंट वजूद में आई है, और हालांकि आप देख उठा के देख लें कि जो प्राइम मिनिस्टर बना या दीगर जो वजार बनाए वो दीगर जमातों से कुछ 4-4, 5-5, 6-6 महीने कबल इस पार्टी में शामिल उनको कराया गया और फिर इस तरीके से मैंने किया कि यहाँ पे एक हुकूमत बनाई गई और इनमें ये कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के लोग हैं और इनमें इतनी अहलियत नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के इस असास के तहत के अंदर ये अपनी कोई किरदार अदा कर सके। उसके नतीजा में देखा कि गुज़श्ता 3 माह 100 दिन हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को, तो इस गवर्नमेंट में इन 3 माह में अपनी कैबिनेट मीटिंग करने में ये नाकाम रही है, कभी 5 दिन नहीं आ रहे, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन नहीं आ रहे। 3 दिन बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने एक मीटिंग जो है वो अभी 4 दिन कबल कैबिनेट मीटिंग हुई है, और इन्होंने आने के बाद सारे काम जो है वो ठप होकर रह गए हैं और 3 माह से ये अपने डिवेलपमेंट बजट 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सके, और जिसके नतीजा मैं समझता हूँ कि आपको शायद इलम होगा कि आज़ाद कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और सर्द इलाका है, यहाँ पर वर्किंग सीजन जो है डिवेलपमेंट के हिसाब से हार्डली 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता। तो अब ये 3 माह इनके गुजर गए हैं और बाकी 3 माह आगे सर्दी जा रहे हैं और अगले एक क्वार्टर रहता है, 2 क्वार्टर रहे, लेकिन 2 क्वार्टर के अंदर ये नहीं समझता कि ये डिवेलपमेंट बचा ये पूरा कर सकेंगे। इस अतबार से इनके एक तो इनके आपस के अंदर जो ग्रुप बंदी और चपकश है इससे पूरा आज़ाद कश्मीर तारीख आज़ादी कश्मीर जो है ये मुतासर हो रही है, और दूसरा जो है कि इनमें काम करने की अहलियत भी नहीं है और ये कोई भी ऐसा रोड मैप तक नहीं दे सके इन 3 महीनों के अंदर, बल्कि जो काम ऑलरेडी शुरू थे उनको उन्होंने बंद करके डेवलपमेंट को भी रोक के रख दिया गया है। तो इस बात से ये माशा इस बात के इनके रुझान हैं, पहली बात तो यह है कि मेजॉरिटी 90% ऑफ द मिनिस्टर बल्कि 99% डोंट सिट इन योर ऑफिस, और वो अपने अपने हल्कों में अपने अपने घरों में बैठे हुए उनको दिलचस्पी हो रही है यहाँ पे आने की, यहाँ पे काम करने की, और उसके बाद जो थोड़े बहुत जिस मदद में काम करते भी हैं वो इंतकामी टीचरों के तबादले करने हैं, किसी का रिश्तेदार किसी दूसरी पार्टी से उसके टीचर को या जिससे दीगर महकमे से, ताकि एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं जो उस महकमे के वजीर तो नहीं है लेकिन पटवारियों के तबादले की अपनी चिट्ठियों पर दरख्वास्त लिख के दे रहे हैं। तो किसी भी पोजिशन पर अभी जो मैं कल एक नोटिफिकेशन पर रहा था कि एक काम रूल किया है कि आने के बाद कोई 2 अरब 2.5 रुपये के या कितने की इन्होंने गाड़ियाँ खरीदने की एक मंजूरी जो वो की है, तो अभी की गाड़ियाँ खरीदें, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत दूर दार पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, LOC पर लोग रहते हैं, वहाँ पे फायरिंग की वजह से बात है, LOC में बस चलो प्राइम मिनिस्टर के अपने हल्के के जो है मौजूदा उसमें भी ये इशू आया कि वहाँ पे एम्बुलेंस फुली इक्विप एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, बेशुमार ऐसे काम करने के हैं जहाँ पे लोगों की रोड एक्सेस नहीं है, स्कूल कॉलेज का मसला है, अभी तकरीबन 1500 से ज़्यादा ये 1800 के करीब हैं वो स्कूल्स की छतें नहीं हैं, स्कूल की इमारतें नहीं हैं, तो ये गाड़ियाँ खरीदने पहले से जाने के बाद में गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दिया। सो दिस इज द पोजीशन कि मैंने समझा कि ये हुकूमत को ज़्यादा चलने वाली भी है और ये अगर चल रहती है तो ये कोई डिलीवर कर सकेगी, ये कर रही है, और ये आप देख लें कि इस हमारे असम्बली का इलाज जो है वो 7 दिन के लिए होता है, 7 दिन कम अज कम एक करोड़ ईयर होना चाहिए, तो अभी तक इन्होंने 100 दिन गुजर गए, 1 दिन इलाज भी नहीं हुआ, तो ये क्या हुकूमत की क्या रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये क्या काम करेंगे। आपके दौरे हुकूमत के दौरान
बेशुमार तरक्याती काम हुए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने से पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी और मेडिकल कॉलेज कोई भी नहीं था। आपकी गवर्नमेंट के आए जब इख्तदार में आप आए तो आपने कॉलेजेस और स्कूल्स का जो है एक जाल बिछाया। आपकी गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो आपके काम जो तरक्याती काम जो बेखसूस एजुकेशन के हवाले से जो जारी थे उन्हें क्यों रोक दिया? देखिए असल में वो भी एक माइंड सेट है नून लीग का भी। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले 3 माह के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज क्लब कर दिए और हमने इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज के लिए काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों के बाद हमने मीरपुर के अंदर मस्त यूनिवर्सिटी कायम कर दी। फिर हमने बाग के अंदर यूनिवर्सिटी कायम कर दी, कोटली के अंदर आईटी यूनिवर्सिटी कायम कर दी, रावलपिंडी के अंदर पुलिस यूनिवर्सिटी कायम कर दी और राजफिर के अंदर जो 6वीं क्लास में यूनिवर्सिटी कैंपस बन रहा था उसको हमने मुकम्मल किया। कैडेट कॉलेज जो बन रहा था उसको हमने मुकम्मल किया, वहाँ पर क्लासेज का इजरा हुआ। तो इसी के अलावा हमने नीलम वैली में, जेलम वैली में, कोटा में और मंग में और बेशुमार जगहों में हमने यूनिवर्सिटी के कैंपस यूनिवर्सिटी के कैंपस में इनको शुरू किया। और साथ साथ ही हमने जो आपको पता है ये पहाड़ी इलाका यहाँ पे मुश्किल होती है, गुर्बत भी बहुत है, बेरोजगारी होती है यहाँ पे लोगों के पास, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है जिस तरीके से एक मुलाजमत है जो जिसपे लोग चलते हैं। तो हमने यहाँ पे स्कूलों को अपग्रेड किया था कि जो गरीब का बच्चा जो है वो केल्स रहता है, लीपा वैली में रहता है, फॉर्ट गुड्डा में रहता है या किसी लड़की के दूर इलाके में रहते हैं तो उनको उनको वहाँ पर उनके घर के वहाँ पर उनको तालीमी सूरत आती है मशर की जाए। तो उस वक्त भी नून लीग अपोजिशन में थी तो उन्होंने उसको कोर्ट में चला दिया, फिर अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नून लीग की थी पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इसके रोकने की कोशिश की, फंडिंग वगैरह नहीं की। फिर हमने अपने फंड से रेट करके उस पर अपने 600-700 के करीब प्राइवेट से मिडिल से आई आई से कॉलेज और इंटर डिग्री कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में काम किया। तो आने के बाद सबसे पहले की जान गया कि उन कॉलेज को स्कूलों को सबको ख़त्म कर दिया और जो हमारे मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी थी उनकी पेस जो स्लो कर दी। फिर हम इस पर सभी हाई कोर्ट में चले गए, रिट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया के उनको बाहर गया। फिर भी उन्हें काफ़ी सारे ऐसे अदारे जो थे वो बहाल नहीं हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई बारी ज़ात की बात थी ना, हमारे हमने कोई वहाँ पे उस अरसे में यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट की थी, बल्कि हमने कहा था जी कि NTS के जरिए हम ये सिस्टम लागू करके छोड़ दिए थे कि उसके लिए वो उनकी जो तैयारियाँ की जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका नुकसान नून लीग को ये हुआ कि इस आने वाला 2021 का इसमें नून लीग अब इसमें शिकस्त खा गई है। उसकी वजह से ये थी कि उनमें वहाँ कुछ पॉलिसियाँ जो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने जो एक अच्छे काम किए थे उनको अंडू करने की कोशिश की है। अदरवाइज दैट्स अ गुड पॉइंट। देखिए हम इस वक्त यहाँ कैपिटल में बैठे हुए हैं, ये आज़ाद असद का कैपिटल है। यहाँ के बंदा रेड़ों की सूरत हाल देखता है तो बड़ा दिल बंदे का दुखता है, बहुत बुरी हालत है रोडों की। जबकि मैं जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी तो ये ब्रिज बना, ये अली भट्टो में जो रुचि में बना रहा है जी जी, ये सेट ऑफ यार ब्रिज राजगीर के अंदर इससे बच्चा बड़ा ब्रिज को तरका बाईपास वो बनाई और जो गोजा बाईपास ये बनाई, शहर के अंदर की रोडों को हमने अंदरुस्त किया। फिर सरदार ब्रिज हमने बनाया आपको, और शहर के अंदर मदीने शहर की जितनी भी गलियाँ थी उनको पुख्ता किया। मदीना मार्केट जो सबसे बड़ी यहाँ पे मार्केट है ख्वातीन के अतबार से वहाँ पे, तो उसको हमने टफ टाइम लगा के दी। अपर डा में बहुत गंदगी थी उसको हमने ठीक करके दिया। हमने बेशुमार काम इस शहर के अंदर राशियों की सबसे बड़ी वाटर स्कीम भी था वो मुजफ्फराबाद के अंदर 4,500-5,000 रुपये की वो बना के दी। इसके बाद सीरियस सिस्टम हमने बेहतर करने की कोशिश की। तो ये काम पीपल्स पार्टी के दौर में इंशाल्लाह ताला हुआ है ऐसी बातें के। तो ये जो सबका गवर्नमेंट गुजरी है जो नून लीग की, उसमें जहरी बात है आप इक्तदार में नहीं थे लेकिन आप असेंबली में तो मौजूद थे, तो आपकी पार्टी के लोग थे ना? पार्टी की हमारी 2-3 मंदिर थे टोटल, 4 हो गए थे बाद में,
पहले तीन ही थे, फिर एक वक्त उनकी सूट आ गई तो चार हो गए, चार थे। लेकिन ये कि मतलब जैसे जिस पे अब पोजीशन पे आप हैं, पोजीशन लीडर आप हैं, उस वक्त चौधरी यासीन साहब थे, तो ये खास तौर पे जो बात करें कैपिटल मुजफ्फराबाद की, तो यहाँ तो बड़ी तकड़ी वजारत थी बरिस्टर इफ्तिखार साहब के पास, तो अगर उनको मेन उन तक अप्रोच करवाई गई कि भाई आप ये जो कम से कम जो रेडियो की जो हालत है खास तौर पे मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इसके हवाले से काम किया गए। हाँ तो जो दिलाते रहे असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बारे में खुद भी बात करता था, उन्होंने उन्नीस तो जो नीचे ये रहा कि वो बुरे तरीके से इलेक्शन लगवा रहे हैं यहाँ से, और आप देखेंगे जिन जब हमारे प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पर उसके जो जो एग्रीमेंट थे या उस पर जो रिकमेंडेशन थी फर्स्ट अभी तक आए थे का मंत्रालय में, उसमें जो बुनियादी बात की गई थी कि आपने 20 क्यूबिक वाटर जो है वो डिस्टिलेशन को छोड़ना है ताकि वाटर ई फ्लो के लिए बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ तो ये बात है कि जो रिकमेंडेशन दी गई कि हमने नुसेरी से जो एक वाटर सप्लाई जो पानी जो है वो वाटर सप्लाई यहाँ पर टैंक्स के नागरिक के अंदर पहुँचाना है, तो उससे भी अभी तक का मंत्रालय जो है वो नहीं हो सका। फिर वाटर बॉडीज बनाई थी राइट फ्रॉम मुजफ्फराबाद अप टू नुसेरी जो जहाँ से डैम का शुरू होता है वहाँ तक वो भी अभी तक नहीं बनी। फिर नुसेरी से लेके मुजफ्फराबाद तक जितने भी कस्बे हैं या बाजार हैं या जो भी है उसकी गंदगी को रोकने के लिए वहाँ पर अपने टैंक्स बनाने थे ताकि उनको रोका जा सके, उस गंदगी जो है वो शहर के अंदर अंदर न फैल सके। फिर ये सॉलिड वर्मिस के डिस्पोजल के लिए उसके लिए भी एक काम करना था, लेकिन उस गवर्नमेंट ने नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने आगे कुछ नहीं किया अभी। अच्छा ये बताएं अपना लतीफ साहब के नून लीग के गवर्नमेंट ने अडाक पे लोगों को जाते जाते तकरीबन कोई 4300 के करीब लोगों को जो है वो कर गए थे, मुस्तकिल कर गए थे, तो उसे अभी जो एक्ट के तहत उन्होंने खत्म करने की कोशिश कर रहे, तो आप इस बारे में बात ये अभी कि इस बारे में जो मौके डिमांड आया इसने बजाय इसको कोई असम्बली में ला के असम्बली से पास किया था एक्ट, इन्होंने अपनी जो मदर पार्टी है इनकी पीटीआई जो पाकिस्तान के अंदर उनके लिए आर्मीज के लिए इसने ये काम किया जिसको हम इसके हम क्या इसको मुस्तरद करते हैं। दो बात भी करनी है असम्बली के अंदर लेके असम्बली में बैठ के उसके प्लस माइनस पर सारे देख के, क्योंकि बड़ी बेसिक बात यह है कि इस जान पर बड़ी हार्डशिप केसेस भी हैं, ऐसे केस भी हैं जो 25-26 साल का जो लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, और उनमें से कई बंदा ऐसा भी लोगों को बता रहा था जी कि एक बंदा ऐसा भी है कि जो 24 साल की सर्विस थी वही डाइट पूरा पेंशन थी बेनिफिट, तो यही हार्डशिप केसेस अपने देख रहे हैं केसेस सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस मौजूद हैं बाद में, फिर एक क्राइटेरिया बनकर करते हैं असम्बली के अंदर बैठ पे इस पर थ्रेड भी जो है वो डिस्कशन होती है, तो फिर उस पर कोई हम चीज़ें बोलते ज़्यादा हम इस तरीके से निकालने को हम दुरुस्त नहीं समझते, मतलब अगर वो असम्बली के अंदर इसको बोलने चाहते हैं तो उस पर आप उस पर बैठ के मैंने प्राइम मिनिस्टर से इससे मेरी बात हुई थी, हमने यही कहा था कि जी के आप इसको इस तरीके से कुछ ना करें आप असम्बली के अंदर लाएँ, तो उन लोगों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई जो है डाल लगे हुए थे। फिर मैंने एक क्वेश्चन भेजा असम्बली में तो मुझे एक कल को बंदा बता दिया जो आपको क्वेश्चन आया, तो फिर उन्होंने उनको पिछली तनख्वाह देनी शुरू कर दी है जो डाक मुलाजमी थे, क्योंकि ऐसा वो मुलाजम रहेंगे तो वह तो देनी चाहिए ना उनको, काम तो करते रहे जी इसलिए ये बात है। तो हमारा यही कोशिश थी कि इसको असम्बली के अंदर लाते उस पर बैठ के बात करते थे, लेकिन ऑडियंस के लिए कोशिश की थी इसको हमने अब तो एकदम नहीं समझते। अच्छा चौधरी सर एक जाति सा क्वेश्चन है, एक बड़ी केमिस्ट्री एक मशहूर है कि चौधरी लतीफ़ अकबर चौधरी मजीद अब्दुल मजीद साहब राजा फारूक बरिस्टर सुल्तान ममूद और चौधरी यासीन इनके बम मशवरे के बगैर जो है यहाँ पे दोनों पार्टी जो हैं ये अपने पार्टी की टिकट नहीं देती किसी को। गलत बात है, मैं जब तक पार्टी का प्रेसिडेंट था फिर हमारी पार्टी में एक सिस्टम डिफरेंट सिस्टम है, हमारी पार्टी का जो पार्लिमानी बोर्ड होता है उसको चेयरमैन बड़ो जरदारी चेयर करते हैं, फिर जो बोर्ड है उसमें फरियादपुर से खुद होती है
राजा परेश्वर साहब मौजूद हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नहीं बुखारी साहब होते हैं, कम जमान कायर साहब उसमें मौजूद थे। इसी तरीके से हमारी पार्टी के तमाम लोग जो इम्पोर्टेंट लोग हैं रेफ्यूजी से लेके जानते साहब आप अपनी बात करते हैं, फिर फैसला तो चेयरमैन साहब का होता है। इसलिए ये बात करना अगर किसी के कहने पर अगर यहाँ पर इस तरह मेरा होता है तो फिर तो आप कह सकते ये बात चेयरमैन ने की या मजीद ने की या यसीन साहब ने की या फिर उनकी पार्टी के मुझे नहीं पता वो कैसे टिकट देते हैं देते हैं। हमने जो है टिकट मेरिट पर दी है इंशाल्लाह ताला। कोई बंदा ये नहीं उठा कर नहीं कह सकता कि इसके बेटा गलत हुआ है। अच्छा तो ये बहन मुश्किल साहब चार दिन हमारी मीटिंग्स होती रही कंटिन्यूसली चार पाँच दिन, और उसके बाद फिर चेयरमैन साहब आखिरी मीटिंग हुई उसमें भी फैसला हुआ। हर बंदे ने अपनी बात की है ऐसी बात लिख के भेजा है जिसको। फिर हमने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जो कोविड की वजह से यहाँ पर नहीं आ सके थे, बरतानिया से, सऊदी दुबई से, सऊदी अरब से, हमने वीडियो लिंक पर उनके इंटरव्यू लिए। अच्छा ये बताएं कि ये अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने सब मीटिंग जो है वो हमें नोट करते हैं, वो मदर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है वो नोट करते हैं इसको। ओके अच्छा ये बताएं जी कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने बलदियाती इंतखाबात करवाने का कहा है जी कि हम जून से पहले पहले बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे, इस बारे में क्या कहते हैं आप? मैं बुनियादी नहीं सोचता कि इस गवर्नमेंट की कोई तरजीहत में कर रही थी ना किस तरीके का दिखे हमारा बुनियादी मसला है। इसलिए अभी तक इस गवर्नमेंट की कोई वाजह पर इस स्टेटमेंट आज तक मैंने देखी। ये बलदियाती इंतखाबात की बात करते हैं, इनके लिए बलदियाती इंतखाबात के लिए पैसे ही नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि ये बलदियाती इंतखाबात करने के लिए दो तीन रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। इन्होंने जो जनरल इलेक्शन में जो वोटर फिस्टिंग जारी की वो सब गलत थी, होता है कि इलेक्शन के वाले रात को मुझे 11 बजे पता चलता है जी कि बादल नकवी के हल्के से बंदे 45 बंदे उठा के मेरे हल्के में डाल दिए। इलेक्शन के बाद मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरे हल्के से कोई कोहरी में है, कोई किस जगह पर है, किस जगह पर है। तो ये हालत है, इनके पहले तो उनकी बात है कि इनको फिस्तें ठीक कर दुरुस्त करनी होगी, और फिस्तें दुरुस्त करने से भी पहले इनको वार्डबंदी करनी होगी। वार्डबंदी के अंदर इन्होंने आबादी के तनासब को बरकरार रखना होगा, ये नहीं कि एक वार्डबंदी जो 2,000 की आबादी पर, एक 5,000 की आबादी पर, 10,000 की आबादी पर, 20,000 की आबादी पर, तो इस तरीके से अपने मर्जी के बनाएंगे तो बात बने के लिए वार्डबंदियों के मुताबिक ये वहाँ पे फिस्तों को दुरुस्त करें। और तीसरी आखिरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मौजूदा जो लोकल बॉडीज का निज़ाम है ये टाइम पैदा करता है, लीडरशिप पैदा नहीं करता। अगर आपने लीडरशिप पैदा कर लिया तो उनको फाइनेंशियली और इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों तरीके से एम्पावर करने का बाख्तियार बना होगा, ताकि अपने फंड्स के लिए किसी एडी लेवल पर डायरेक्टर के पास, सेक्रेटरी के पास या वजीर या वजीर के पास जाके कंट्रोल में बाहर बैठे रहे। और एडमिनिस्ट्रेटिवली इसलिए कि उनको अपने महकमे के अंदर तकर्री तबादले का अख्तियार या दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज होते हैं उनको हल करने का अख्तियार होना चाहिए। तो ये तीन चार चीज़ें जब तक मुकम्मल हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पैसा इनके पास है नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 500 रुपये देने के बाद जो इनको ये कहते हैं कि है, तो मैंने उनसे ये भी बात कही थी ये बात की, मैंने कहा बल्कि नाम नहीं बताना चाहता, तो मैंने कहा तो मुझे 1200 रुपये उसने कराची में किया तो कितने पैसे दे गया, वो 1 रुपये आज तक नहीं दिया। तो ये वैसे भी इमरान खान के दिन वैसे भी थोड़े रह गए हैं कि ये क्या किसी को देंगे या क्या नहीं देंगे। ये वैसे कहते लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करिए, मुझे लगता है ये बेहतरी से बात करने की पोजिशन में है क्योंकि आपके अंदर इतने इख्तलाफात हैं, ये कैसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब अपना जो भी नीतीश साहब आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेहताब काज़मी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात होगी किसी और सियासी समाजी शख्सियत के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।